अब्बास भाई, कुछ गड़बड़ ज़रूर है। आज तो ऑफिस में भी मैं दो तीन दफ़ा सो गया, इससे पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ। अचानक बड़े ज़ोर से नींद आती है मुझे। अब्बास भाई, आपकी तो काफ़ी कच्ची नींद है। हम लोग यही देखकर सुबह काफ़ी हैरत में थे। फोन आ गया यार। हाँ बोलो अजमल। हाँ तुम्हें बोलकर तो आ गया था, समझा दिया मेरे तुम्हें। हाँ मेरी बॉस से बात हो गई है, तुम अकाउंट से 15 लाख रुपये निकलवा कर उसका मुंह बंद करो। हाँ क्लियर कर दो। एक अरसे से इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं लेकिन ज़रा भरोसा नहीं इन्हें, सख्त नापसंद मुझे इस तरह के लोग। ओके अल्लाह हाफिज़। अच्छा मैं नहा लूँ, मुझे चाय दे देना। हाँ जी बिल्कुल अब्बास भाई। अब्बास भाई, अब्बास भाई, अब्बास भाई, यार मैंने कहा ना सब कुछ हो जाएगा ना। पूरे 2 लाख का कर्जा हो चुका है मुझ पे। आ जाओ निमरा। यहाँ भी नहीं है। कौन नहीं है? अब्बास भाई ना अपने रूम में है ना कहीं और। ये क्या कह रही हो, मेरे सामने तो वो वॉशरूम में गए। चलो देखते हैं। चलो चलो। अब्बास भाई, अब्बास भाई कहाँ गए यार? अब्बास भाई अब्बास भाई अब्बास भाई दरवाजा खोले। अब्बास भाई, अब्बास भाई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? अब्बास भाई, अब्बास भाई, अब्बास भाई, अब्बास भाई, अब्बास भाई, अब्बास भाई खैरियत तो थी? हाँ इतनी देर से अंदर बनते। खैरियत नहीं है, वो मुंह धो रहा था कि अचानक बड़े जोर से नींद आई, मैं घबरा के बैठ गया और फौरन सो गया मैं। लेकिन नींद क्यों आ रही मुझे? ये मासी भी पता नहीं कब आएगी। हर दूसरे दिन इसकी छुट्टी होती है, हर दूसरे दिन इसकी तबीयत खराब होती है। दूसरी लगा लेना, इसका तो हर दिन यही लगा रहता है। डॉक्टर के मुताबिक मुझे
नार्कोलेप्सी हो सकती है। हैं? नार्कोलेप्सी? ये क्या बला है? इस मर्ज में मरीज को अचानक बहुत जोर की नींद आ जाती है और वो कहीं भी किसी भी हालत में थोड़ी देर के लिए बेखबर सो जाता है। ये तो बड़ी अजीब बीमारी है। हाँ भाई, खतरनाक भी है। फर्ज करें अगर आपको ड्राइविंग करते हुए अचानक नींद आ गई तो? तुम ठीक कह रहे फवाद, मैं भी यही सोच रहा था। तो फिर इसका इलाज क्या है? इलाज तो डॉक्टर ही जानता होगा, पर उसने नींद कंट्रोल करने के लिए मुझे चंद टैबलेट्स दी हैं। कह रहा था चंद दिनों में फर्क पता चल जाएगा। यार पता नहीं क्या अजीब बीमारी हो गई है भाई को। अगर कुछ बुरा हो गया ना तो पता नहीं क्या होगा। यार इस दुनिया में मेरा एक ही भाई तो बचा है। अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें, कितनी मोहब्बत करते हो अपने भाई से। हाँ तो मोहब्बत करता हूँ, तुम भी तो अपनी बहन पर जान निछावर करती हो ना। तो क्यों ना करूं, तुम्हारी तरह मेरी भी तो अकेली बहन है। मुझे तो समझ नहीं आता क्या होगा। पहले इतना कर्जा चढ़ा हुआ है, निमरा की शादी भी करनी है, पैसे होंगे तो अच्छा रिश्ता भी आएगा ना। ये अब्बास भाई भी ना बहुत कंजूस आदमी है, पता नहीं इतनी दौलत किसके लिए बचा के रखी हुई है। न बीवी है न औलाद, और अगर जरा से पैसे मांग लो तो देखो मुंह कैसे फूल जाता है इनका। अरे सारे घर का खर्चा उठा रहे हैं और तुम्हारी शिकायतें खत्म नहीं हो रही। अगर उठाते हैं तो कोई एहसान नहीं करते हम पे? उन्हें घर का खाना और साफ सुथरा माहौल भी तो मिलता है। काश वो इतनी गहरी नींद सो जाए कि फिर कभी ना उठे। क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? बस बकवास करा लो तुमसे। अब्बास भाई कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत ठीक नहीं यार, रात को बार बार आँख खुलती रही और अचानक नींद आती रही, लेकिन 10-15 मिनट के बाद ही आँख खुल जाती थी। वाकई ये तो बहुत ही अजीब ही बीमारी है भाई। अच्छा ये बताइए कि जैसे ही आप पर नींद का हमला होता है तो क्या आप फौरन सो जाते हैं? हाँ अचानक नींद आ जाती है और मैं फौरन सो जाता था। ये तो बड़ा ख़तरनाक मामला हो गया फवाद, इस तरह तो मेरी जॉब और कैरियर तबाह के रह जाएगा। तुम जानते हो कि मेरी जॉब कितनी जिम्मेदारी वाली है। पता चला ज़रूरी मीटिंग और मैं अचानक सो जाऊँ तो मेरे बॉस वगैरह क्या सोचेंगे। खैर, अरे तो भाई आप एक आध हफ्ते की छुट्टी ले लेना। अरे हो सकता है इस दौरान आपकी तबीयत बेहतर हो जाए। हाँ यही करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला भाई? तुम मेरे साथ बैंक चलो, मैं तुम्हें अपने अकाउंट्स वगैरह के ट्रस्टी बनाना चाहता हूँ। देखो तो मेरी बीमारी ख़तरनाक है, कुछ भी हो सकता है। अचानक किसी हादसे में मेरी मौत हो गई तो जाहिर सी बात है मेरे वारिस तुम ही हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ताला आपको बड़ी उम्र दे, परेशान मत हो। खैर चलो। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? ट्रस्टी में तो नाम आ गया तुम्हारा। तो अब्बास भाई की बीमारी का इलाज भी चल रहा है। यार तुम कहना क्या चाहते हो? अगर किसी हादसे में अचानक उनकी मौत हो जाए तो उनकी सारी दौलत हमें मिल जाएगी। इस घर के मालिक बन जाओगे तुम। अभी तो आधा हिस्सा अब्बास भाई का है ना। यार मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है कि हमें उनके कत्ल करने का कोई मंसूबा बनाना चाहिए। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अरे सगा भाई है वो मेरा। तो फिर मुझे तलाक दे दे। अरे यार क्या हो गया तुम्हें, चंद पैसों के खातिर मैं अपने सगे भाई का मर्डर कर दूं? तो फिर जाओ 2 लाख का कर्जा भी चुकाओ और 10-12 लाख का बंदोबस्त करो ताकि निमरा की शादी हो सके। यार ऐसा कौन सा मंसूबा हो सकता है जिससे मेरा सारा काम बन जाए? अब की ना कल की बात। मैं कुछ सोचती हूँ। कहती तो तुम ठीक हो यार, 30-35 हज़ार में आखिर कब तक गुजारा करता रहूँगा? कम से कम ये मकान 3-4 करोड़ का तो होगा। निम्रा, निम्रा काम हो गया? जी बाजी हो गया। अच्छा इधर आओ,
मुझे तुमसे एक राज की बात करनी है। राज की बात? क्या? तुम इस बात का जिक्र भी किसी से नहीं करना। अच्छा बात तो बताएं मुझे पहले। पहले खाओ मेरी जान की कसम। अच्छा बाबा खाई कसम। हमें अब्बास की बीमारी का फायदा उठाना है। फायदा? 3-4 दिन में मैं और फवाद इरफान अंकल के घर रात को रुकने जाएंगे। इस दौरान तुम चूल्हे का गैस पाइप निकाल कर अब्बास को किचन में बुलाओगी और कहोगी कि गैस लीक हो रही है। जैसे ही वो पाइप ठीक कर रहा होगा तुम उसके सर पे जोर से डंडे से वार करोगी और वो वहीं बेहोश हो जाएगा। तुमने उसी हालत में उसे किचन में छोड़कर और बाहर से जाके कुंडी लगा देनी है। और फिर तुमने घबराहट में मुझे कॉल करनी है, मैं वहीं इरफान अंकल के घर रोना पीटना शुरू कर दूंगी। इस तरह से फवाद पर कत्ल का शक भी नहीं होगा और वैसे भी उसका इलाज तो चल ही रहा है। जब पुलिस आएगी तो हम उन्हें यही कह देंगे कि इनको नींद की बीमारी थी, शायद इसीलिए गैस का पाइप लगाते हुए ये हादसा हो गया होगा। लेकिन ऐसा करने का क्या फ़ायदा होगा बाजी? अब्बास के पास बहुत दौलत है, हम ये घर बेचकर कोई छोटा सा फ्लैट ले लेंगे, फवाद कोई कारोबार कर लेगा और तुम्हें पूरा 1 करोड़ रुपया मिलेगा और तुम्हारी शादी का सारा खर्चा भी मैं करूँगी। तुम्हारा शानदार मुस्तकबिल बन जाएगा। निम्रा लालच में आ गई है, उसने हाँ कर दी है। मुझे पहले ही मालूम था कि वो मान जाएगी। अरे दौलत किसे प्यारी नहीं होती, लेकिन एक बात बताओ तुम उसे 1 करोड़ क्यों दोगी? अगर लालच ना देती तो वो कैसे मानती? और हम कौन से उसे पैसे दे रहे हैं? तनख्वाह देंगे, सिर्फ शादी करा देंगे उसकी। और उसे साथ मिलाना इसलिए ज़रूरी था कि कल को खुदा ना खास्ता पुलिस केस बन जाए तो सारा इल्ज़ाम उस पर लगा के अंदर करा देंगे और हम ऐश की ज़िंदगी गुजारेंगे। अरे हाँ, मैं सोच रही थी कि परसों इरफान अंकल की तरफ चलते हैं। लाओ फोन मुझे, मैं ज़रा उनसे बात कर लूँ। चलो। हेलो। अरे भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो? भाईजान आपको बताया था ना कि आज रात हम दोनों इरफान अंकल के रुकेंगे, काफ़ी दिन से सवाल कर रहे थे। चलो ठीक, जाओ भाई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब्बास भाई, अब्बास भाई वो गैस लीक हो रही है, आप जरा देख लेंगे? अच्छा चलो देखते हैं। फवाद खुद पे कंट्रोल करें, अगर किसी को शक हो गया तो मसला हो जाएगा। तुम घर पहुंचते ही एम्बुलेंस को कॉल कर देना और डॉक्टर को अब्बास भाई की मेडिकल हिस्ट्री भी दिखा देना। वैसे भी कुछ ही देर में इरफान अंकल घर पहुंचने वाले हैं, वो खुद गवाही देंगे कि हम दोनों उनके घर ठहरे हुए थे। प्लीज रिलैक्स हो जाओ। निम्रा सब ओके तो है ना? जी बाजी इनका इंतकाल हो चुका है। चलो देखते हैं।
हेलो छिपा सर्विस, देखिए यहाँ एक हादसा हो गया है, आप प्लीज गाड़ी भेज दें जी। एड्रेस लिखे कोई हादसा नहीं हुआ। ये गैस का पाइप कैसे निकला? बाजी ने कहा था कि गैस का पाइप लीक करके आपको बुलाऊं और फिर डंडे से सर पे वार कर दूं। क्या तुमने जो करना था कर लिया फवाद, अगर आज ये मिमरा ना बताती तो मैं तो मर चुका होता। आप ही, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी। मिमरा लालच में आ गई है, उसने हाँ कर दी है। मुझे पहले ही मालूम था कि वो मान जाएगी। अरे दौलत किसे प्यारी नहीं होती, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम उसे 1 करोड़ क्यों दे रही हो? अगर लालच ना देती तो वो कैसे मानती? और हम कौन से उसे पैसे दे रहे हैं, तनख्वाह देंगे, सिर्फ शादी करा देंगे उसकी। और उसे साथ मिलाना इसलिए ज़रूरी था कि कल को खुदा ना खास्ता पुलिस केस बन जाए तो सारा इल्ज़ाम उस पर लगा के अंदर करा देंगे और ख़ुद हम ऐश की ज़िंदगी गुजारेंगे। दुख होता है मुझे कि तुमने अपने सगे भाई को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। ठीक, मैं निमरा को लेके यहाँ से चला जाता हूँ। और हाँ, जल्दी ये घर बेच के मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा। चलो इमरा, अब हम अलग घर में रहेंगे और मैं कल ही तुमसे शादी कर लूँगा। आज के बाद तुम लोग कोई रابطہ नहीं रखना मुझसे। अब अब्बास भी मेरा है और उसकी सारी दौलत भी मेरी है। चले अब्बास। सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना,